जैसा कि आप भी जानते हैं, छोटे पर्दे की दुनिया में सेजल शर्मा के निधन के बाद बुरी तरह से टूट गया है परिवार। सेजल शर्मा के बीते मंगलवार को लेकर खबरें आई थी कि वो बिल्कुल स्वस्थ थी और उनकी काफ़ी लोगों से बातें भी हुई, लेकिन अब जो बड़ी खबर आई है, उनके गुजर जाने के बाद, ठीक उनके अंतिम संस्कार के बाद, जानकर यकीनन आप भी रो पड़ेंगे। बता दें, राजस्थान के उदयपुर में उनके अपने घर से उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जहां उनके परिवार वाले उन्हें अंतिम दर्शन के वक्त देखकर रो पड़े थे। अब सेजल शर्मा की मां सामने आई हैं और खबरें आ रही हैं कि उनकी मां हैं जिन्होंने खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक सेजल के फ्लैट से जो आखिरी खत मिला था उनके गुजरने के बाद, उस खत में सेजल शर्मा के डिप्रेशन से ग्रसित होने की खबर सामने आई और इस खबर को झूठा बताते भी सेजल की मां ने नया खुलासा किया। उन्होंने बताया कि डिप्रेशन में नहीं थी उनकी बेटी सेजल। सेजल बहुत खुश रहती थी, वो साइड रोल नहीं करना चाहती थी, वो लीड रोल प्ले करना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें वो काम सही नहीं मिल रहा था। उनकी मां ने ये भी बताया कि वो लीड रोल के लिए जो तैयार थी, वो लीड रोल उन्हें मिल भी गया था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। मां को बेहद अफसोस है कि वो अपनी बेटी की दिल की बात नहीं जान पाई। सेजल के परिवार वाले उदयपुर में अंबा माता थाना सर्किल के आज़ाद नगर में रहा करते थे, जहां पर सेजल जिंदगी गुजारती थी अपनी। शहर के PIBS कॉलेज से उन्होंने BBM की पढ़ाई की थी, जिनके पिता कृष्णकांत शर्मा सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। और तो और सेजल की एक बहन भी है अहमदाबाद में जो रहती है, और एक छोटा भाई है जो उदयपुर में रहता है। हर खुशहाल परिवार की सदस्य थी वो। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति ग्रुप।